मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, बता दें हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 25 जून 1975 को लागू किया गया था आपातकाल। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट भी किया है। तो हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। और ज्यादा जानकारी भी लेंगे इस मामले में, पर आपको बता दें ट्वीट किया गया है गृहमंत्री के द्वारा। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाएगी सरकार? जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने या फिर गृह मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से लोकतंत्री हत्या जो है वो की गई थी, और इसी को याद करते हुए, क्योंकि लोकतंत्री हत्या की गई थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई लोगों ने जो है वो आपातकाल की विभीषिका को है वो झेला है, इसकी पीड़ा को जो है वो झेला था, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर उस दिन को याद करने के लिए जो है संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। साफ तौर पर इसको लेकर के जो है सरकारी गैजेट जो है वो जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसको ट्वीट करके इसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की है। साफ तौर पर हमने देखा कि जब लोकसभा का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा था उसमें भी जो है वो लोकसभा से इसको लेकर के एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जिस तरह से आपातकाल लगाई गई थी, आपातकाल की विभीषिका थी, उसको लेकर के एक प्रस्ताव को जो है वो सदन में पारित करवाया था। तो इसी को लेकर के अब सरकार ने यह फैसला लिया है और इस समय को वे एक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। साफ तौर पर उनका यह कहना था, गृह मंत्री बैंक का यह कहना था। अभी तक हमने बहुत सारी सियासत देखी हमने, और अब जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप हम और ज्यादा देखेंगे। विनीत, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है, अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।